जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतना ही शानदार होगा। जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, ये चार लाइन से अगर जो भी एग्री करते हैं तो आज के डेट में आप सभी संघर्ष करने से बिल्कुल मत घबराना, पूरे दिल जान से मेहनत करना, क्योंकि आप सभी को ये जरूर पता है आज का मेहनत, ईमानदारी से किया हुआ मेहनत कहीं ना कहीं कल जो है वो रंग दिखाने लगेगा और एक दिन हमें वहाँ पर लाकर खड़ा कर देगा जहाँ से हम जो कुछ भी सोचें अपने लिए ना, वहाँ पाकर, वहाँ जाकर हर एक चीज़ हम लोग लाइफ में पा सकते हैं। तो आज मेहनत करने से पीछे मत हटना, जितना भी कष्ट हो लेकिन आपको करना है, मतलब करना है आज के डेट में, ये आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। क्लास को स्टार्ट करूँगा और एक बात, जिनका भी एग्ज़ाम है एसएससी सीजीएल का, उनको बेस्ट ऑफ लक। आप एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छे से देना और बिना प्रेशर के, और चैनल के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, कोई भी एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट जो है आप हमारे एप्लीकेशन के ऊपर दे सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में, ठीक है। अगर वहाँ से 349 वाला पैकेज अगर बाई करते हैं तो एक साल के वैलिडिटी के साथ आपके आने वाले एक साल तक हर एक एग्ज़ाम का टेस्ट आपको दिया जाएगा इस 349 वाले पैकेज में ही। अलग से आपको किसी भी एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट नहीं खरीदना पड़ेगा अगर आप 349 वाला पैकेज लेते हैं तब। और आज कवर करने वाले हैं हम सभी 3 मार्च के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर, कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य के साथ। और आज एग्ज़ाम है तो रिव्यू दूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में बन रहे हैं। सो देखते हैं पहले आज का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर ने 2 मार्च 2020 को COVID-19 या आपको पता है कोरोना वायरस का जो है वो नाम दिया गया है ये वाला, कि अपने पहले पुष्ट मामले की सूचना दी है। आपको मैं बता दूं जो पहले पुष्टि की गई है कोरोना वायरस की हमारे भारत में, वो केस आया है आपका नई दिल्ली से, ऑप्शन नंबर आपका ए। और डॉक्टर की टीम के जांच करने के बाद पता चला है जिस आदमी को ये कोरोना वायरस हुआ है वह आदमी पास्ट में जो है वो इटली से यात्रा कर चुका है, जिसके वजह से इंडिया में आने के बाद उसको कोरोना वायरस हुआ है। और एक बात, दूसरी पुष्टि भी की गई है इंडिया में ही, पहला तो आपको केस मैंने बताया नई दिल्ली में और दूसरा जो है आपका तेलंगाना में, ये दोनों आप याद रखना, ठीक है। और एक बात आप ये भी याद रखिएगा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है उसने $675 मिलियन दिए हैं निपटने के लिए इस बीमारी से। एग्ज़ाम में पूछेगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कितना डॉलर दिया है कोरोना वायरस से निपटने के लिए, तो 675 मिलियन डॉलर, ठीक है, मिलियन, 675 मिलियन डॉलर। और एक बात, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के हेड कौन है, तो वो है आपके टेड्रोस एधोनोम, ये भी आपको याद रखना है इनका हेड का नाम, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, यह पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता जिनका 28 फरवरी 2020 को निधन हो गया है, उनका नाम क्या है आपको बताना है। और आप अगर फोटो में अच्छे से देख पा रहे होंगे, प्रतिभा पाटिल जो हमारी पूर्व राष्ट्रपति थी, उनके द्वारा इनको अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। इनका नाम क्या है, बलबीर सिंह खुल्लर। जब इंडिया 1968 में ओलंपिक में हॉकी में ब्रोंज मेडल जब इंडिया ने जीता था, तब वो उस समय यह टीम के क्या थे, सदस्य थे। तो उस समय जब इंडिया को कांस्य पदक जब मिला था हॉकी में 1968 में, तब ये उस समय भारतीय टीम के सदस्य थे जिनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है 77 वर्ष की आयु में, 77, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, गर्भवती महिला के पोषण के लिए लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला द्वारा शुरू किए गए अभियान यानी कैंपेन का नाम आपको बताना है।
जो प्रेग्नेंट वोमेन के लिए जो है वो स्टार्ट किया गया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा, और उस कैंपेन उस अभियान का नाम है आपका सुपोषित माँ अभियान, ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, इस अभियान के तहत क्या है कि जो भी महिलाएं गर्भवती हैं और जो नए बच्चे जन्म लेते हैं उनके स्वास्थ्य के ऊपर पूरा ध्यान रखा जाएगा, खाने को लेकर पूरा ध्यान रखा जाएगा इस अभियान के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर सुपोषित के जगह पर सुपर सीट हो गया है, देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन पर रेल यात्रियों और आम लोगों के लिए अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील लॉन्च किया है? यानी आप देखे होंगे कि चक्के के ऊपर जो है एक होटल ओपन किया गया है, रेस्टोरेंट, ठीक है, रेल यात्रियों और आम लोगों के लिए, और ये लॉन्च कहाँ किस स्टेशन पर किया गया है? तो ये किया गया है आपका आसनसोल रेलवे स्टेशन पर, जो पड़ता है आपके बंगाल में, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, विश्व उत्पादकता कांग्रेस 2020 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी कांग्रेस 2020? और ये होस्ट करने वाला है आपका भारत, यानी ऑप्शन नंबर ए। और ये सम्मेलन इंडिया दूसरी बार होस्ट कर रहा है, पहली बार 1974 में इंडिया ने होस्ट किया था, अब जाकर दूसरी बार 2020 में जो है वो भारत होस्ट करने जा रहा है। ठीक है ना, अगला प्रश्न हमारे सामने, शून्य भेदभाव दिवस 2020 कब मनाया गया है? और ये मनाया जाता है आपका 1 मार्च को, यानी 1 मार्च, ये सभी को पता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राष्ट्र ने तुर्की से लगभग 10,000 प्रवासियों के लिए अपनी सीमा को अवरोध किया है, यानी बंद कर दिया गया है, आपको बताना है कहां का? तो ऑप्शन नंबर सी, ग्रीस। ठीक है, विच नेशन हैज ब्लॉक्ड इट्स बॉर्डर फॉर नियरली 10,000 माइग्रेंट्स फ्रॉम टर्की? और वो है आपका ग्रीस, याद रखिएगा, ग्रीस के द्वारा जो है अपनी सीमा को बंद कर दिया गया है। किस राष्ट्र ने तुर्की से लगभग 10,000 प्रवासियों के लिए अपनी सीमा को अवरोध कर दिया है? तो तुर्की, किसने? ग्रीस ने, और कुछ लोगों को तो गिरफ्तार भी किया गया है ऐसा खबर आ रहा है, जो इलीगल तरीके से घुस रहे हैं बॉर्डर के अंदर। और तुर्की की बात करें तो तुर्की का प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है आपका रेसिप तैयिप एर्डोगन, और कैपिटल अंकारा, और करेंसी क्या है? तो वो है आपका तुर्किश लीरा। गीत होते आपका तुर्की के बारे में, और आज का आपका पहला प्रश्न निकल कर आ रहा है ग्रीस को लेकर। आप सभी को कमेंट कर ये बताना है कि ग्रीस का मुद्रा करेंसी क्या है, ग्रीस का कैपिटल क्या है, और ग्रीस के ही क्या बोलते हैं वहाँ के पीएम प्रधानमंत्री का नाम क्या है। ये 3 चीज आपको ग्रीस के बारे में कमेंट कर बताना है, यह आपका आज का पहला प्रश्न है। ठीक है, ग्रीस का कैपिटल, करेंसी, और वहां के प्रधानमंत्री का नाम। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा कागज रहित हो गई है? यानी कौन सा विधानसभा है जो पेपरलेस हो गया है, डिजिटल, यानी डिजिटल हो गया है, और वो है विधानसभा आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। और अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? पेमा कांडू, राज्यपाल बीडी मिश्रा, राजधानी आपका ईटानगर। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा पेपरलेस एंड डिजिटल हो गई है, तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश का, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, राजीव सूरी ने किस बहुराष्ट्रीय दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी के सीईओ और अध्यक्ष के रूप में अपने इस्तीफा की घोषणा की है? तो आप सभी को पता है राजीव सूरी अपने आप में बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने नोकिया के सीईओ और प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे दिया है, ऑप्शन नंबर आपका ए, नोकिया। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे निर्माण संगठन ने किस राज्य में भारत का सबसे लंबा घाट पुल बनाया है, आपको बताना है, और आंसर क्या होगा आपका? मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी, यहां पर बनाया गया है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे निर्माण संगठन के द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे लंबा घाट पुल बनाया गया है? तो मणिपुर में, ऑप्शन नंबर आपका सी।
और मणिपुर के सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह। कैपिटल इम्फाल और राज्यपाल वहाँ कौन है? तो नजमा हेपतुल्ला। अगला प्रश्न हमारे सामने है, गुजरात सरकार ने एमएसएमई सेक्टर यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज में उद्यमियों के क्षण यानी लोन की सुविधा देने के लिए किस बैंक के साथ जो है वो डील साइन हुआ है, समझौता हुआ है या फिर पार्टनरशिप हुआ है? तो गुजरात सरकार का डील साइन हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, यानी ऑप्शन नंबर डी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है, सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम के लिए। अब गुजरात के सीएम कौन है? विजय रूपानी। राज्यपाल आचार्य देवव्रत। और कैपिटल क्या है? तो वो है आपका गांधीनगर। और एक बात, आप सभी का दूसरा प्रश्न ये निकल कर आता है आज का कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज यानी ये मंत्रालय किसके पास है, ये आप सभी को कमेंट कर बताना है। ये आपका आज का दूसरा प्रश्न है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 3 मार्च का। और एक बात, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, और जिनका भी एग्ज़ाम है आज एसएससी सीजीएल का फर्स्ट डे है उनको बेस्ट ऑफ लक। एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दीजिएगा बिना नर्वस होकर, ठीक है ना। चलिए, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। चलिए।